गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर 12,000 वर्कर्स एक साथ काम करते थे। इस बिल्डिंग पर 24,000 ग्लास पैनल लगाए गए, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका वजन 35 A380 एयरक्राफ्ट के बराबर है और ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि 100 किलोमीटर दूर से भी इसकी चोटी को देखा जा सकता है। और क्या आपको पता है कि इस बिल्डिंग पर जो एड लगाई जाती है वो भी काफी महंगी होती है। उस पर सिर्फ 3 मिनट की एड लगाने के लिए 50 लाख रुपए का खर्च आता है। ये तो थी बुर्ज खलीफा की कुछ इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन अभी आप और भी चौंक जाएंगे जब आप जानोगे कि आखिर बुर्ज खलीफा को इंजीनियर्स ने बनाया कैसे। कैसे इस मोटे 350 टन पाइप को ऊपर तक पहुंचाया गया, कैसे बुर्ज खलीफा के 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर को कम किया गया, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी लंबाई 2716 फीट है। असल में 163 मंजिला ऊंची इस इमारत को बनाने में 25,50,000 क्यूबिक मेट्रिक कंक्रीट और 39,000 टन सरिये का इस्तेमाल किया गया और इस पूरी बिल्डिंग को बनाकर तैयार करने में करीब $1.5 अरब का खर्चा आया। दोस्तों, इस पूरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम डेविड ब्रेडफोर्ड को सौंपा गया, जहां इसी कंस्ट्रक्शन मैनेजर यानी डेविड ने बुर्ज खलीफा के नक्शे को तैयार होने से पहले ही इसको बनाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका साफ साफ कहना था अगर हम इसके नक्शे में ही उलझे रहेंगे तो शुरुआत के 3 साल तो हमें ऑफिस में बैठकर निकालने पड़ जाएंगे, जो कि वाकई में दिमाग का काम था। हालांकि वो चीज गलत भी हो सकती थी। अब डेविड इतने बड़े कंस्ट्रक्टर थे कि उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा। ये बात शायद आपको ना पता हो कि बुर्ज खलीफा दुबई की रेत में खड़ा करना बहुत ही मुश्किल काम था और इसीलिए इसको बनाने के लिए पहले 192 मोटे स्टील के पाइप को जमीन में धसाया गया और फिर जाकर बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। और शायद आपको ना पता हो कि पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इन्हीं स्टील के पाइप पर टिका हुआ है। क्या आपको पता है कि ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि जब सीमेंट को नीचे बनाकर ऊपर भेजते थे तब सीमेंट ऊपर जाते आते सूख जाता था और इसीलिए उन्होंने बुर्ज खलीफा में मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल कर दिए। इन पाइप्स का काम सीमेंट को ऊपर तक पहुंचाना था, लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था क्योंकि बुर्ज खलीफा में लगने वाले सीमेंट का वजन अगर देखे तो करीब 1 लाख हाथियों के वजन जितना था और इस कॉन्क्रीट को इमारत तक पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कॉन्क्रीट पंप का इस्तेमाल किया गया, जिनकी कीमत भी करोड़ों में थी। इसके अलावा जब बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तब इस पर 12 ग्लास पैनल लगाने की और बुर्ज खलीफा पर 24,000 ग्लास पैनल लगने थे। जब ग्लास पैनल लगाए गए तब बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री के करीब पहुंच गया, जहां पर कोई भी इंसान 10 सेकंड से ऊपर नहीं खड़ा रह सकता था और इसको ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली की खपत आती। और इसीलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मशहूर इंजीनियर जॉन जेरफा ने कहा कि उनके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उपलब्ध है। तो उन्होंने एक खास तरह का ग्लास पैनल बनाया जो सूरज से निकलने वाली यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन ये ग्लास पैनल बहुत महंगे थे और ऐसे 24,000 ग्लास पैनल खरीदने में 3 अरब 60 करोड़ की रकम खर्च होनी थी, जो कि बहुत महंगा काम था। इसीलिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल बनाए गए और सिर्फ 4 महीनों में ही ये सारे ग्लास पैनल बनकर तैयार हो गए। अब सारी कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर जो ऊपर का स्टील पाइप को लगाया गया है उसे ऊपर कैसे रखा गया। वैसे आपको बता दूं कि वो पाइप नीचे से दिखने में छोटा है, लेकिन उसकी लंबाई 136 मीटर है और वो 350 टन का है। दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन नहीं थी कि वो इतने भारी पाइप को बादलों से भी ऊपर ले जाकर बुर्ज खलीफा के शिखर पर रख सके और इसीलिए इंजीनियर्स ने सलाह दी कि पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर लेकर जाएं और इस तरह इन पाइप के टुकड़ों को अंदर ले जाकर असेंबल किया। अब पूरा बुर्ज खलीफा तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन सालों की कंस्ट्रक्शन की वजह से वो पूरा मिट्टी से भरा था और सबसे बड़ा काम था उसको बाहर से पॉलिश करने का। इंजीनियर्स को इसका कोई भी सॉल्यूशन समझ नहीं आया और इसीलिए उन्होंने वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के 24,000 ग्लास पैनल को साफ कराया गया।
दरअसल में ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर्स की मदद से ही किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, क्या आप भी बुर्ज खलीफा में जाना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।